नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, आज की सुर्खियां शेखर और सपना के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक, प्रदेशवासियों की समस्याओं का त्वरित निवारण करने के दिए निर्देश। केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री ने दी प्रतिक्रिया, कहा ये बजट भारत के जन जन के भविष्य को निखारेगा। मुख्यमंत्री ने की ओटीएस निवास पर जनसुनवाई, प्रदेश भर से आए आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समस्त संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नियमित रूप से जनसुनवाई सुनिश्चित करने, परिवादों के त्वरित निस्तारण, उनकी मॉनिटरिंग करने तथा फीडबैक लेने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली और पेयजल आपूर्ति की स्थिति, चिकित्सा सुविधाएं, जल जीवन मिशन की प्रगति, विकसित भारत संकल्प यात्रा, कानून व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की उच्च स्तरीय समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सभी अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों की पालना सुनिश्चित करें ताकि आमजन का सरकार के प्रति विश्वास बना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर हो रही दैनिक जनसुनवाई की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। सभी जिलों में जनसुनवाई का समय भी सुनिश्चित कर परिवादियों के लिए समुचित व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। मुख्यमंत्री ने रबी फसल के लिए बिजली सप्लाई की स्थिति को लेकर भी समीक्षा की। श्री शर्मा ने अधिकारियों को बिजली की उपलब्धता और बिजली छीजत कम करने के संबंध में निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी जिलों में आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल व्यवस्था की तैयारियां पूरी रखने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा और समय समय पर औचक निरीक्षण के निर्देश दिए, जिससे जरूरतमंदों को राहत मिले। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद भवन में केंद्र सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओटीएस निवास से केंद्रीय बजट सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का बेहतरीन अंतरिम बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाला है। उन्होंने कहा कि ये बजट आम जनता का बजट है जो भारत के जन जन के भविष्य को निखारेगा। श्री शर्मा ने कहा कि अंत्योदय के प्राण और भारत के समग्र विकास के संकल्प की सिद्धि के लिए वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए इस बजट में गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसान पर विशेष फोकस किया गया है। साथ ही हर वर्ग को बेहतर प्रतिनिधित्व मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं को देश का प्रधान सेवक मानते हैं। ऐसे में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उनके संकल्प की झलक इस बजट में देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दिशा में कौशल विकास और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत महिलाओं की संख्या 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करना, 40,000 रेल कोच को वंदे भारत जैसे रेल कोच में बदलने सहित विभिन्न जन कल्याणकारी प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि रूफटॉप पे सोलर अभियान के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी, साथ ही वे अतिरिक्त बिजली बेचकर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकेंगे। उन्होंने कहा कि आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और उत्पादन लागत में कमी भी आएगी। श्री शर्मा ने देश की सीमाओं को और अधिक मजबूती देने के लिए पेश किए गए रक्षा बजट की भी तहे दिल से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की रूपरेखा पर कार्य करने का संकल्प अंतरिम बजट में प्रदर्शित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की सख्ती के बाद जलदाय विभाग अजमेर शहर की जलापूर्ति में सुधार को लेकर एक्शन मोड में आ गया है। विभाग ने फॉय सागर झील से शहर को मीठे पानी की आपूर्ति की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को श्री देवनानी ने फॉय सागर रोड स्थित फिल्टर प्लांट पर पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि नियमित जलापूर्ति और गर्मियों से पहले संपूर्ण पेयजल प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने गुरुवार को अजमेर शहर और अजमेर उत्तर क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण बैठक भी ली। उन्होंने अजमेर में सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में पेयजल आपूर्ति में तत्काल सुधार और दीर्घकालिक प्रबंधन को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 3 के तहत केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 137.5 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के कोने कोने तक बेहतरीन सड़क नेटवर्क स्थापित करेगी। प्रदेश का कोई भी गांव सड़क विहीन नहीं होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 की दूसरी किस्त की राशि के रूप में 137.5 करोड़ की राशि प्रदेश के लिए जारी की है।
वहीं स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 के तहत प्रदेश के 4 शहरों में लगभग 554 करोड़ की लागत से स्मार्ट विकास कार्य करवाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को इसकी स्वीकृति दे दी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 के तहत प्रदेश के उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर शहर में इस राशि से स्मार्ट विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस राशि से प्रदेश के 4 बड़े शहरों में आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा और लोगों को स्मार्ट सिटी का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 के तहत उदयपुर के लिए 134 करोड़ रुपए, जयपुर के लिए 154 करोड़ रुपए, कोटा के लिए 168 करोड़ रुपए और अजमेर के लिए 98 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि का उपयोग आधारभूत संरचनाओं के विकास में किया जाएगा, जिसमें इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कृषि और उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में गुरुवार से शुरू हुए 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी शिखर सम्मेलन सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। डॉक्टर मीणा ने कहा कि ERCP परियोजना से प्रदेश में कृषि और बागवानी की दिशा बदलेगी। वहीं सिंचाई और पेयजल के लिए भरपूर पानी उपलब्ध होने से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के किसानों की तकदीर बदलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को ERCP के रूप में बड़ी सौगात दी है। हमें बूंद बूंद पानी संचय के साथ जल के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कृषि और उद्यानिकी मंत्री ने आगे कहा कि कृषि वैज्ञानिकों ने नई तकनीक और नई किस्मों को धरातल पर लाकर न केवल किसानों की आय को बढ़ाया है, बल्कि प्रदेश के कृषि परिदृश्य में भी बड़ा बदलाव लाया है। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने गुरुवार को वरिष्ठ यात्री तीर्थ योजना के तहत अलवर रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम के लिए जाने वाली स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अलवर से पहली बार इस तरह की तीर्थ यात्रा ट्रेन रामेश्वरम के लिए जा रही है, जो हर्ष का विषय है। उन्होंने यात्रियों से देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करने का अनुरोध किया। श्री शर्मा ने कहा कि इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि स्पेशल ट्रेन में कुल 350 यात्री यात्रा कर रहे हैं, जिनका चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया है। यह ट्रेन अलवर रेलवे स्टेशन से रवाना होकर भरतपुर होते हुए 3 फरवरी को मदुरई पहुंचेगी और वहां से यात्रियों को बस से रामेश्वरम तक ले जाया जाएगा। आज विश्व भर में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग रखी गई है। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आज के दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। राजस्थान में 2.25 हेक्टेयर से बड़े क्षेत्र के 12,625 वेटलैंड्स हैं। राज्य में 2 रामसर स्थल, सांभर झील और केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इसी के साथ राजस्थान राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों की संख्या बढ़ाने के लिए मैनार तालाब उदयपुर, चांदलाई जयपुर, खींचन जोधपुर, कानावास पक्षी विहार कोटा, लूणकरनसर बीकानेर के प्रस्ताव भारत सरकार के माध्यम से रामसर सचिवालय में भेजने की अनुशंसा की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 के पदों के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता जांच और खेल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए काउंसलिंग 12 से 15 फरवरी तक की जाएगी। अब एक नज़र मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। आमजन को राहत पहुंचाने और उनकी परिवेदनाओं के निस्तारण में मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं और वे अपने निवास पर प्रतिदिन जन सुनवाई करते हुए आमजन से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज भी OTS स्थित अपने निवास पर आमजन की परिवेदनाओं को सुना और अधिकारियों को इनकी जांच कर त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। आज जन सुनवाई के बारे में मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा, आज OTS निवास पर राजस्थान परिवार के मेरे सम्मानित जनों, देवतुल्य कार्यकर्ताओं से स्नेहपूर्ण भेंट की तथा सभी की समस्याओं को सुनते हुए अतिशीघ्र निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गुरुवार शाम को मानसरोवर स्थित मुख्यमंत्री कैंप में भी आमजन की परिवेदनाएं सुनी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा, सेवा, सुशासन और सम्मान नए भारत के नए राजस्थान की यही है पहचान। सेवा परमो धर्म के भाव के साथ आज मानसरोवर स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र परिवार के सदस्यों से आत्मीय मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुनने के साथ ही उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने समाज सुधारक महाराजा गंगा सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए लिखा,
केसरे हिंद शिक्षाविद, समाज सुधारक, विकास पुरुष एवं मरुभूमि के भागीरथ के नाम से विभूषित आधुनिक बीकानेर के निर्माता महाराजा गंगा सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटिशय नमन। सूजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।